Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the next chapter of the game development, that is C# loops. In this, we will briefly explaining what are loops that are used in C# language. So simply agar hum baat kare to computer ki programming language ke andar loop ek aisa instruction ka sequence hota hai jo continually bar bar repeat hota rehta hai kisi khas condition ko देखते हुए या उसके तक पहुंचते हुए और जब तक वो कंडीशन रीच नहीं होती ये जो लूप है वो कंटिन्यूली रिपीटेडली चलता रहता है. सो दैट इज सिंपली लूप. नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स होती हैं. अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है, जिस तरह के आप इसके सेंटेक्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने int a और int b जो है 100 और 200 की इक्वल रिस्पेक्टिवली की है. इसकी इस स्टेप के अंदर हम लोकल वेरिएबल की को डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेरिएबल है और हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं कि हम बूलियन कंडीशन को चेक करते हैं. मींस टू से इफ अगर जो a है उसको हमने अगर दो दफा इज इक्वल टू के साइन लगा देंगे तो इट मींस कि ए को हमने जो है 100 दे दिया है. मींस टू से ए के अंदर 100 वैल्यू जो है वो है. और अगर सिंगल दफा इज इक्वल टू के साइन होगा तो इट मींस कि 100 को ए से इनिशियलाइज किया है. तो इसके अंदर हमने बूलियन कंडीशन चेक की है जब हमें आइडिया होगा कि ए जो है वो वाकई 100 के इक्वल है तो द कंडीशन जो है वो ट्रू होगी. देन चेक द फॉलोइंग. तो हम ये देखेंगे क्या बी जो है वो बड़ा है या बराबर है 200 से. तो अगर हम इसमें देखें जो हमने पहले वेरिएबल को डिफाइन किया था वहां 200 जो है वो इक्वल है, बी जो है वो इक्वल है 200 के. सो दैट इज आल्सो ट्रू. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट द फॉलोइंग. ऑब्वियसली हमें पता है कि कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिख कर वैल्यू ऑफ ए 100 और वैल्यू ऑफ बी जो है वो 200 जो है आउटपुट में दिखा देंगे. तो एग्जैक्ट वैल्यू जो ए की होगी वो इस ए की वजह से यहाँ स्टोर हो जाएगी और जो बी है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी. अब ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है वो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें खास यही डिफरेंस है राइट और राइट लाइन के अंदर कि जो राइट है वो डेटा को प्रिंट करने में इज यूज टू प्रिंट डेटा नई लाइन पे जाने के अलावा. मीन्स टू से राइट इज यूज टू प्रिंट द डेटा विदाउट प्रिंटिंग द न्यू लाइन. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो जो कंसोल डॉट राइट लाइन है वो डेटा को प्रिंट करता है अलॉन्ग विद प्रिंटिंग द लाइन टू. मीन्स टू से न्यू लाइन पे वो उसको प्रिंट करता है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन. नेक्स्ट हमारे पास है लूप्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि लूप्स जो है वो एक ब्लॉक को एक स्पेसिफिक ब्लॉक को सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह कि आप फ्लो डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है और जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉर एग्जांपल ये नीचे आया कंडीशन ट्रू हुई है, फिर इसने कंडीशनल कोड को रन किया, फिर कंडीशन को देखा और इस तरह ये होता रहेगा. और वेन एवर दिस कंडीशन विल बी फॉल्स तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली. एक सीक्वेंस के से जो तमाम स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं. और जो जनरल फॉर्म है लूप स्टेटमेंट की वो मैंने आपको यहाँ शो करवा दी है. Next we have loops provided by C#. कौन सी loops हैं जो C# जो है वो provide करता है हमें. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास है while loop, for loop, do while loop और हमारे पास है nested loop. इसको हम briefly explain करते हैं अपनी next slide के अंदर. So the very first is the while loop. अब while loop कब इस्तेमाल की जाती है. While loop एक ऐसी loop है जो कि बार बार किसी specific code के block को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होती है जब हमें नंबर का नहीं पता होता कि कितनी बारी हमने ये लूप जो है वो चलानी है. जब तक कि कंडीशन हमें हासिल नहीं हो जाती तो ये तब तक व्हाइल लूप जो है वो चलती रहती है. इट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू. तब तक चलेगी जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती. इफ द टेस्ट ऑफ द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग ऑफ द लॉ लूप. ये सबसे पहले टेस्ट होगा कंडीशन को और फिर जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी. ये आप इसकी जो डायग्राम है फ्लो चार्ट डायग्राम है उसमें भी देख सकते हैं बकायदा. ओके नेक्स्ट वी हैव द कोड फॉर द फॉर लूप. ये आप देख सकते हैं व्हाइल लूप सॉरी इसका कोड जो है नेम स्पेस लूप. हमने क्लास बनाया है आफ्टर दैट वेरिएबल को डिफाइन किया है इंट ए इज इक्वल टू 10 से. फिर हमने व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन की है. व्हाइल हमने कंडीशन लगाई है कि इफ ए इज स्मॉलर देन 20 और फिर हमने उसको आउटपुट करवा दिया और ये हमने इंक्रीमेंट किया है फर्स्ट इंक्रीमेंट. सो ये जो है इस तरह व्हाइल लूप का सेंटेक्स्ट है और इस तरह ये काम करता है.
नेक्स्ट हमारे पास है फोर लूप। अब फोर लूप कब इस्तेमाल किया जाता है? फोर लूप एक ऐसा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है जिसमें आइट्रेशन जो होती हैं वो स्पेसिफाइड होती है, और इसमें ये स्पेसिफाइड होता है कोड को अलाउ होता है कि वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल टाइम्स कोड एग्जीक्यूट हो सके और स्पेसिफाइड आइट्रेशन हों, उसको उसमें फोर लूप को यूज किया जाता है। इसके एडवांटेजेस, इट रिड्यूसेस द सीक्वेंस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, ये बार बार जो सीक्वेंस होता है उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होने देता है विद सीक्वेंस, और ये कोड को रिड्यूस करता है दैट मैनेजेस द लूप वेरिएबल, जो लूप वेरिएबल को मैनेज कर रहा होता है। ये आप इसका देख सकते हैं फ्लो डायग्राम में, फोर इंट कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये बेसिक एक सेंटेक्स होता है एक फोर लूप का, और ब्रैकेट्स के अंदर इसके अंदर कंडीशन कोड होता है, कंडीशनल कोड होता है, जो भी आपने कंडीशन लगानी है वो इसके अंदर होगा। ओके, नेक्स्ट पे हम इसका देख लेते हैं कि इसका सेंटेक्स किस तरह का है फोर लूप का है। तो आप ये देख लें, इसमें फोर लूप यूज किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टार्टिंग फंक्शन है वो हमने देख लिया। फोर लूप की एग्जीक्यूशन इधर की है, ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट का स्टेप है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है फोर लूप में, और ये कंसोल डॉट राइट लाइन, इधर जो वैल्यू ए की है वो प्रिंट हो जाएगी, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसको हमने कमेंट्स किया हुआ है। सो ये सेंटेक्स था हमारे पास फॉर लूप का। नेक्स्ट है हमारे पास है डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप जो है वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप होती है। इसमें मेन क्या होता है कि जो लूप जब चलता है ना, तो चाहे रिजल्ट आपका ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन एक दफा उसने प्रिंट होना ही होना है, ठीक है। एक दफा प्रिंट होने के बाद फिर वो कंडीशन को चेक करेगा, तो एटलीस्ट वंस टाइम वो रन होगा, आफ्टर दैट जो कोड होगा वो चेक होगा वेदर इट इज फॉल्स और वेदर इट इज ट्रू। तो ये भी सिमिलर है व्हाइल स्टेटमेंट की तरह, एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, लेकिन ये कंडीशन जो है वो एंड ऑफ द लूप पे जाके उसको टेस्ट करता है। सो दैट हियर इज द बेसिक यू नो द फ्लो डायग्राम ऑफ द डू व्हाइल लूप, इस तरह जो डू व्हाइल लूप है वो काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम उसका सेंटेक्स देख लेते हैं कि डू व्हाइल लूप का सेंटेक्स किस तरह है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इनिशियल यूजिंग लाइंस हैं, नेम स्पेस लूप्स हैं, क्लास फिर हमने बनाई है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। आफ्टर दैट यहाँ हमने लूप वेरिएबल को डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10 के साथ हमने लूप को डिफाइन किया है। फिर डू लूप की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है, डू हमने यूज किया है, और हमने कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ ए जो है वो यहाँ आएगी, और ये ए इज इक्वल टू ए प्लस वन इंक्रीमेंट है, वाइल हमने कंडीशन लगाई है इफ ए इज स्मॉलर देन 20। सो ये बेसिक सेंटेक्स है डू व्हाइल लूप का, और इस तरह ये रन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स को सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक लूप की बॉडी के अंदर अगर कोई दूसरी लूप मौजूद हो, देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड। आप ये इसका देख सकते हैं इसका सेंटेक्स किस तरह का है, ठीक है। ये एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम दिखाया गया आपको। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब लूप को जो स्टेटमेंट्स कंट्रोल करते हैं, अब हम उनको देखते हैं। अब दो होती हैं उसमें, एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है और दूसरी कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ब्रेक में और कंटिन्यू में, कि जो ब्रेक होती है ना वो इमीडिएटली लूप को टर्मिनेट कर दे, फौरन जो लूप को टर्मिनेट कर दे। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें कंट्रोल की, तो वो ऑन द अदर हैंड जो कंटिन्यूड आपके पास स्टेटमेंट होती है वो टर्मिनेट करती है करंट आइट्रेशन को चलने देती है, मींस टू से सॉरी टर्मिनेट करती है करंट आइट्रेशन को, और उसके बाद वो रिज्यूम कर देती है किसी उस चीज को, दोबारा चला देती है उस कंट्रोल को, दोबारा चला देती है टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप, नई आइट्रेशन लूप की आइट्रेशन। अब ये मेजर इसमें डिफरेंस है कि जो ब्रेक होगा वो इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है लूप को, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो टर्मिनेट करती है करंट आइट्रेशन को, कंटिन्यू करती है करंट आइट्रेशन को, और उसके बाद वो रिज्यूम कर देती है नेक्स्ट आइट्रेशन को जो कि लूप की होती है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड लूप एंड कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वी हैव द ब्रेक स्टेटमेंट, जो मैंने अभी बात की है वो उसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाती है, जो प्रोग्राम कंट्रोल्स होता है वो रिज्यूम हो जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लूप का। इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर, ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है। इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप्स, तो वन लूप के अंदर एक इनसाइड लूप होता है तो वहां भी यूज होती है। ब्रेक स्टेटमेंट्स विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर मोस्ट लूप, जो सबसे अंदर वाली लूप होती है उसकी एग्जीक्यूशन को ये स्टॉप कर देती है और एग्जीक्यूट को स्टार्ट करती है नेक्स्ट लूप जो कि कोड का होता है। ओके,
Next, we have the basic syntax and code of break statement. Here you can see that break we have used in red. So here what will happen is that here terminate the loop because we have used the break statement here. And you can see this flow diagram mein bhi dekh sakte hai ki conditional code hai, phir condition lagi hui hai, aur if condition is true to phir ye dobara execute hoga. और ऑन द अदर हैंड इफ कंडीशनल कोड इज फॉल्स तो फिर ब्रेक हो जाएगी. ब्रेक होने के बाद ये कंडीशन जो है फॉल्स की तरफ चले जाएगी और कोड टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट पर्पस है कंटिन्यू स्टेटमेंट. अब कंटिन्यू स्टेटमेंट सम हाउ या समवट आप कह सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट की तरह ही है, लेकिन जो मैंने डिफरेंस आपको बताया था पहले उसमें ये है कि ये टर्मिनेट करने की बजाय ये इस चीज़ को फोकस करती है. एक दफ़ा उसको चलने के बाद कोड को रन होने के बाद ये इस चीज़ पे फोकस करती है कि नेक्स्ट आइट्रेशन जो लूप की है वो कब होगी, वो कहाँ प्लेस होगी. ठीक है, तो बाकी कोड को ये इन बिटवीन स्किप कर देगी जो भी कोड इन बिटवीन होगा, और बाकी फोकस ये इस चीज़ पे करेगी कि नेक्स्ट जो आइट्रेशन है वो कहाँ प्लेस हो रही है. ठीक है, सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक. नेक्स्ट पे हमारे पास इसका बेसिक कंटिन्यू का कोड है. ये आप देख सकते हैं कि रेड के अंदर हमने कंटिन्यू को इस्तेमाल किया हुआ है. इसमें क्या होगा कि जो आइट्रेशन को है वो इस आइट्रेशन को स्किप कर देगी और कंटिन्यू के बाद यहाँ कोड जो है वो आ जाएगा. और ये बेसिक जो हमारे पास एक शॉर्ट सा कोड है और ये उसका सेंटेक्स है बेसिक किस तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम. दैट्स इट फॉर द डे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी डू कमेंट इन अ डिस्क्रिप्शन बिलो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ लेक्चर नोट्स हैं वो भी उनका पीडीएफ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए. फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन एसेस दैट एज वेल. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.